हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एग्रीड। गाइस, एनटीक तरफ से होने वाले नीट एग्जामिनेशन को लेकर बहुत सारे डाउट्स कन्फ्यूजन आप सभी के क्रिएट हो रहे हैं। सो गाइस, आज की स्टोरी में बात करेंगे नीट 21 के पोस्टपोन मैटर को लेकर, अभी तक की क्या अपडेट है उसके बारे में। बहुत जगह आपको ये सुनने को मिलेंगे नीट की ऑफिशियली पोस्टपोन नोटिस आ चुकी है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं कि नीट आपका ऑफिशियल पोस्टपोन हुआ हो, ठीक है। लेकिन गाइस, कुछ ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं जिसके थ्रू ये कन्फर्मेशन मैसेज मिल रही है एक तरह से कि नीट आपका 21 का सितंबर तक के लिए पोस्टपोन हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ जैसे बड़े बड़े हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह ने बहुत ज़्यादा न्यूज़ मीडिया सोर्सेज ने पोस्टपोन को लेकर आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, लेकिन उनके थ्रू भी बहुत सारी अभी कन्फ्यूजन आप सभी लोगों में क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो गाइज, पूरी तरीके से आपको बता दूं, एनटीए ने अभी तक ऑफिशियली इस चीज़ को लेकर कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन अगर आप एनटीए के मेल या फिर हेल्पलाइन नंबर पर बात करते हो तो वहाँ पर आपको केवल एक ही रिप्लाई मिलेगा कि आप एनटीए की साइट्स को रेगुलर विजिट करो और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप एनटीए की साइट से ही वहाँ से करो, ठीक है। गैस, एक्टिव एग्जामिनेशन की साइट से या फिर अपकमिंग एग्जामिनेशन या फिर पास्ट या फिर कोई भी अगर एग्जामिनेशन कैलेंडर में देखा जाए एनटीए के, तो नीट के रिगार्डिंग अभी तक जनवरी से लेके जुलाई तक की कोई भी अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगी कि नीट आपका कब होगा, अप्लीकेशन फॉर्म कैसे आएगा या फिर कोई भी, ठीक है। वैसे बहुत सारे एग्जामिनेशन वहाँ पर दिए गए हैं, जेई मेंस की सो करीब, बिकॉज जेई मेंस के दो सेशन पहले हो चुके हैं और जेई मेंस के भी दो सेशन के एग्जाम्स में बाकी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो डाउट्स है उसको क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ आर्टिकल्स मैं आपको शो करना चाहता हूँ। सबसे पहले शो करता हूँ टाइम्स नाउ के, ठीक है, जिसमें यह बताया गया था कि नीट आपका पोस्टपोन हो सकता है, ठीक है, पोस्टपोन हो सकता है सितंबर मंथ तक और जेई मेंस आपका अगस्त तक हो सकती है, रिपोर्ट आई है टाइम्स नाउ की, ठीक है। सो गाइज, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो कुछ इस हाइलाइट्स दिए हैं क्या हाइलाइट्स हैं, मैं उसके बारे में आपको पूरी तरीके से मेंशन कर दूं कि क्या क्या यहाँ पे इस आर्टिकल्स का समरी है, ठीक है। तो जो पहला है कि नीट 21 एग्जामिनेशन लाइकली गेट टू पोस्टपोन, ठीक है, नीट 21 का यूजी का एग्जामिनेशन सितंबर तक पोस्टपोन किया जा सकता है। फर्स्ट, सेकंड है कि जो जेई मेंस का पेंडिंग सेशन है यानी कि अप्रैल और मई का सेशन, वो जुलाई और अगस्त में किया जा सकता है 21 सेशन के लिए, और जो जेई मेंस का पेंडिंग सेशन 21 के लिए और नीट एग्जामिनेशन के बिटवीन में जो गैप रहने वाली है, 14 दिन का गैप रहने वाला है, यानी कि जब भी आपका जेई मेंस एग्जाम्स होगा उसका ठीक 14 दिन बाद, 15 दिन बाद, यानी कि दो हफ्ते बाद आपका नीट एग्जामिनेशन हो सकता है। सो गाइस, एनटीए ने इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अभी तक पब्लिश नोटिस रिलीज नहीं किया, लेकिन अगर आप खुद सोचो तो अभी आपके पास पूरे के पूरे फर्स्ट ऑफ अगस्त को अप्लीकेशन एग्जाम होने वाला है, ठीक है, और आज डेट है 24 जून, 24 टू फर्स्ट ऑफ अगस्त देखा जाए तो 35 टू 38 डेज आपके पास बचे हुए हैं, और इस डेज में अप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करना, एडमिट कार्ड रिलीज करना, एग्ज़ाम लेना, उसके बाद करेक्शन विंडो वगैरह, बहुत चीज़ें प्रक्रिया होती हैं। सो इन प्रोसेस में एक लंबा लेंथी टाइम लगता है, देखा जाए तो इस प्रोसेस में मिनिमम आपके 2 महीने टाइम लगता है, ठीक है। तो यार, 2 महीने टाइम आपके पास नहीं है फर्स्ट ऑफ अगस्त को देखा जाए तो गैज, जाहिर सी बात है यार, आप खुद अपने अगर माइंड लेवल को यूज करो तो नीट आपका पोस्टपोन होगा, 100% पोस्टपोन होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ अगस्त को नहीं होगा, ये एग्जाम आपका सितंबर में हो सकता है, एक्सपेक्टेड देखी जाए तो हाफ सितंबर तक हो सकता है, ठीक है। गैज, ये आज तक की भी आर्टिकल्स आई थी, आज तक हिंदी पब्लिश मीडिया रिपोर्ट है जिसमें आई थी कि नीट की अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, अभी भी केंद्रीय मंत्रालय, राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश इस मामले में कोविड 19 की रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो रिव्यू के बाद डिसीजन आएगा। वैसे बहुत सारे न्यूज़ आपको सुनने को मिलेंगे कोविड का थर्ड वेव भी आने वाला है, सो इसके पहले ही वो लोग एग्जाम कराना चाहते हैं, जिसकी अभी तक सिचुएशन के लिए वो रिव्यू ले रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की मैं आपको दिखा दूँ, जिसमें उन्होंने भी बताया था कि नीट आपका पोस्टपोन हो सकता है, इसके एग्जामिनेशन डेट पर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, ठीक है। तो गाइज, बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं यार, सो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो एंड यार स्टडी हार्ड, बिकॉज आपका एग्जाम्स होगा, कैंसिल नहीं होगा, पोस्टपोन हो सकता है, तो वो भी अगर पोस्टपोन हुआ भी तो आपके पास मैक्सिमम टाइम अभी भी 2 महीने का बचा हुआ है, तो इस टाइम में आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कर सकती हो। सो आप लोग अच्छी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, और कोई प्रॉब्लम्स आ रही जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आती है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू नीट की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो दोस्त, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद एंड स्टडी हार्ड गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।